जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गूगल पे बैंक ऐड नहीं हो रहा है, वो किस तरीके से करें। अगर आप गूगल पे जो बैंक ऐड करना चाह रहे हैं, गूगल पे बैंक ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको अपनी तरफ से कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही होगी। फिलहाल आप मेरी तरफ से जो गूगल पे बैंक ऐड करना चाह रहे हो तो फ्रेंड्स आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आ गया। जैसे अपने गूगल पे बैंक ऐड को एप्लीकेशन को ओपन करा, गूगल पे जो एप्लीकेशन था उसे ओपन किया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस था। जैसा मैंने अपने फ़ोन नंबर डाला, फ़ोन नंबर डालने के बाद वो वेरीफाई फ़ोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई फ़ोन नंबर हो गया। जिस तरीके से आप वेरीफाई फ़ोन नंबर नहीं कर पाए तो आप आसानी से कर सकते हो। ये आपने कंटिन्यू पे क्लिक करा था, इस तरीके की आपकी ऑप्शन प्रॉब्लम आ रही थी। इस प्रॉब्लम को कैसे सही करें तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो इस वीडियो पे शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो पे शुरू से लेके एंड तक बने रहेंगे, बहुत बहुत थैंक यू। सो फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरा नाम जल्दी, मेरा नाम आदित्य कुशवाहा और आपका फिर से मेरे टेक सपोर्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना हो। जैसे आपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन किया, आपको गूगल पे यहाँ पे एप्लीकेशन को सर्च कर देना। जैसे मैंने गूगल पे एप्लीकेशन को सर्च किया तो देखो तो पहले से इंस्टॉल कर रखा था। सो फ्रेंड्स, आपको कर देना क्या, जो गूगल पे एप्लीकेशन था उसे इंस्टॉल कर देना। देख सकते हो मैं इस एप्लीकेशन की जो भी इन्फॉर्मेशन होती होगी वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखा देंगे। सिंपली जो गूगल पे एप्लीकेशन था, मैं अपनी सेटिंग पे आ गया हूँ। जैसे गूगल पे जो एप्लीकेशन था उसकी परमिशन ऑन नहीं है तो उसकी परमिशन ऑन कर लेते हैं। जिस तरीके से जो गूगल प्ले एप्लीकेशन था उसकी परमिशन ऑन करने के लिए एप्लीकेशन को यहाँ पे ढूंढ देते हैं। गूगल पे एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो, एड मैनेजर, एड मैनेजमेंट पे क्लिक जैसे आपने के लिए देख सकते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाए। आपको सिंपली ऐप सेटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपने ऐप सेटिंग पे क्लिक किया, वो आपकी गूगल पे जो एप्लीकेशन था वो आपको यहाँ पे सर्च कर देना। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत परेशानी हो रही तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो गूगल पे। जैसे आपने गूगल पे सर्च किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाए। देख सकते हो यहाँ पे गूगल पे आ गया। इस तरीके से आप गूगल पे की जो परमिशन होती है वो ऑफ होगी, तो देख सकते हो आपको इस परमिशन को अलाउ कर देना। देख सकते हो जैसे मैंने अलाउ किया, डू नॉट होगा तो पहले से आपको अलाउ कर देना। जैसे मैंने इसको अलाउ किया, थोड़ा सा आपको बैक आना आ जाना है। बैक आ जाने के बाद देख सकते हो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी एप्लीकेशन की सेटिंग होगी, वो सारी की सारी इस तरीके की सेटिंग आप अवेलेबल कर दोगे। जो भी सेटिंग होती है, ए टू जेड कोई भी सेटिंग होती है, आपको सारी की सारी जो सेटिंग होती है अवेलेबल कर देना। जैसे मैंने इस ऐसे एप्लीकेशन गूगल पे वाली एप्लीकेशन सारी की सारी सेटिंग कर दिया। जैसे आपने इसे एप्लीकेशन ओपन किया, ओपन करने के बाद जो आपके नंबर पे जो जिस नंबर पे आप गूगल पे चलाना चाहते हो वो आपको इस नंबर पे जो फ़ोन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भर देना। जैसे मैंने फ़ोन नंबर को यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद ओके पे क्लिक किया, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे था वो आप इस नंबर पे एक OTP आ जाएगा। OTP ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे OTP मेरा जो आया था ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। जो फोन फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप कर सकते हो गूगल पे जो फोन की होम स्क्रीन होती है कुछ इस तरीके की आ जाएगी। गूगल पे जो एप्लीकेशन था कुछ मेरे फ़ोन में इस तरीके का अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके का आप कर सकते हो। अगर जीमेल पे आप कोई भी जीमेल सेलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन बताने वाला था कि गूगल पे जो बैंक ऐड नहीं हो रही है तो वो किस तरीके की करें, तो आपको सिंपली कर देना, जो भी बैंक होगी तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने अपनी बैंक को सेलेक्ट किया तो आपको अलाउ कर देना। अलाउ को करने के बाद आपको कुछ इस तरीके दो ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको सिंपली सिम वन पे आपको क्लिक कर देना, जो भी आपकी सिम वन पे तो आपको सिम वन पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस नंबर पे एक OTP आ जाएगा। OTP आपको अलाउ कर देंगे और वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो सामने आपको डन कर देना। जैसे डन पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिव पे क्लिक कर देना। देख सकते हो ये एक्टिंग हो रहा है, एक्टिव बैंक अकाउंटिंग यहाँ पे अकाउंट हो रहा है, इस तरीके से एडिंग बैंक अकाउंट हो रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। अगर पहले से आप अपनी तरफ से कर रहे हो तो बैंक ऐड जो गूगल पे जो बैंक ऐड नहीं हो रहा तो आप अपनी तरफ से करोगे तो दिक्कत परेशानी होगी। इस तरीके से आप जो बैंक ऐड हो रहा है मेरे सक्सेसफुली हो गए। इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे एक OTP भी यहाँ पे मेरा जो वन टाइम पासवर्ड था इस तरीके से OTP की सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे मैसेज भी आ गया है। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आप बैंक ऐड करना चाहते हो, आप अगर बैंक ऐड करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, तो आपको बैंक ऐड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना।
जैसे अपने बैंक ऐड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से सारे का सारा सेटअप कर लोगे बैंक ऐड करने के लिए, इस तरीके से कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि बैंक जो बैंक होती है आपके गूगल पे जो होता है एप्लीकेशन, उस पर बैंक ऐड नहीं हो रही तो वो किस तरीके से करें, इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन बताने वाला था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लगी तो वीडियो कर लीजिए लाइक और आपके मेरे चैनल को जुड़े रहने के। चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अच्छी लगी तो और अच्छी लगी तो यहाँ पे कमेंट में नाइस करके सेंडिंग कर दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।